मैं अरकेश बिट्टा। हाँ जी सर, अभी तक काम चला है, कौन से काम पंजाब में हुए, कौन से नहीं हुए हैं सरकार ने? पंजाब में जो भी काम हुए हैं वो सरकार में, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं बना जिसमें एक मीडियम क्लास के बच्चे पढ़ सकें और अच्छी तलीम हासिल कर सकें। और दूसरा, सरकार का ये काम होता है वे टूल प्लाजा जो लगते हैं वो बंद होने चाहिए, उन पब्लिक के लिए ये लोग सत्ता में बैठे पब्लिक के काम करने चाहिए। इन्होंने तो एक सत्ता में बैठकर टूल प्लाजा लगा दिए, सड़कें इन्होंने बनानी है क्या प्राइवेट कंपनियों ने बनानी है? जो सत्ता में लोग हैं वो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो पब्लिक के हित के लिए किया हो, जो पब्लिक के टैक्सों के लिए किया हो। कोई भी वहाँ पे जाकर हमारे पार्लियामेंट में जाकर इन्होंने कोई भी पब्लिक के लिए मुद्दे कोई भी उठाए नहीं। कोई हॉस्पिटल सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पे जहाँ लाया हो, जो सरकार की मेन चीज़ होती है, मोदी सरकार के बीच में कोई भी पंजाब की डेवलपमेंट में कोई भी मुद्दा नहीं हुआ। जो जीटी रोड का जो मुद्दा है उसमें टूल प्लाजा लगने लगे हैं, जो भी ये काम किए जा रहे हैं, स्कूल प्राइवेट स्कूलों की फीसें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और कोई भी सरकारी ऐसा स्कूल नहीं बना जिस पे मीडियम क्लास के बच्चे पढ़ सकें और अपना भविष्य बना सकें। 2020 की बात की जाए तो इलेक्शन के जो मुद्दे हैं लुधियाना में क्या रहेंगे? जो 2020 के इलेक्शन के मुद्दे होंगे उस पे पब्लिक के मुद्दों पे बात हो, तो आज तक कोई भी पार्टी पब्लिक के मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ रही। कोई भी अपने नाम पे वोट वसूलना चाहती है, कोई धर्म के नाम पे वोट वसूलना चाहती है, कोई भी ऐसा मुझे नेता नहीं नजर आया जो टैक्सों की बात करता हो और पब्लिक की बात करता हो। कोई इंडस्ट्री को कोई राहत देनी चाहता हो, जहाँ कोई एग्रीकल्चर को राहत देनी चाहता हो, जहाँ कोई पब्लिक की बिजली के बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक को फ्री दी जा रही है, एक को बिल रहे हैं, तो इस मुद्दों पे कोई भी बात नहीं कर रहा। जो मीडियम क्लास है वो फिस रहा है, ना कोई अमीर का कुछ जा रहा है ना दूसरे का जा रहा है। वो बहुत बड़ी बात जो होनी चाहिए, ये मीडियम क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फीस सा जा रहा है। मैं आशु गुप्ता, मैं इतने रह रही हूँ आनंदपुर महल्ले च। इतने कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है? क्या काम नहीं हुआ? ना कोई सड़कें बनी है, ना कोई सीवरेज बना है, ना पानी की व्यवस्था है। हर आदमी परेशान है, बच्चों के फीस के पैसे नहीं हैं, कोई अच्छे स्कूल नहीं है। जिसके पास 10-20 हज़ार रुपया हो तो वो दाखिला करवाए, गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? और जेड़े बच्चे अनपढ़ हैं, जो उनके लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी बाउंड कर देते हैं, रास्ते में घेर लेते हैं उनको, उनके लिए कोई हल करना पड़ेगा। कसूरवार कौन है? कसूरवार सरकार है और कौन है? अब मोदी सरकार ही है और कौन है? आपके इलाके में कौन सी सर, कौन सा एमपी है? हमारे संजय तलवार हैं, उनको चाहिए। जो बच्चे पहले गाड़ियाँ चलाते थे, अब पहले तो 8 पढ़े आदमी को नौकरी मिल जाती थी, अब लाइसेंस भी नहीं बन रहा, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी पब्लिक? ओए बथेरा बड़ा था। क्या नाम है? मेरा जी मनदीप सिंह। तो 5 साल में आप तक क्या हुआ, क्या विकास का काम हुआ, क्या नहीं? 5 साल में सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जो साढ़े प्रेजेंट इस टाइम एमपी है, उन्होंने दोबारा इन्हों टिकट मिली है। इन्होंने लुधियाने से कुछ नहीं किया, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई इन्होंने सड़कों का कोई काम नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। फिर किसी सिर के उत्ते वोटा दोबारा मंगन आ रहे हैं पब्लिक को, किया कि इन्होंने कुछ नहीं किया। लुधियाने अकाली दल बीजेपी का सांझा उम्मीदवार आना चाहिए, वधिया ढंग नाल सरकार बनूगी उपर, तो प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो फिर पूरे देश का विकास होगा होर वधिया तरीके। लाइट नहीं आती, सड़क टूटिया हुई हैं, पानी नहीं आता, की करते पे ने 2.5 साल बीत गया कांग्रेस सरकार का, इन्होंने कुछ नहीं किया लुधियाने वास्ते, पंजाब वास्ते भी कुछ नहीं किया।
दोबारा साड़ी सरकार आऊगी, सारे MP जितनगे 13 दे 13 जिता के असी भेजांगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनावांगे, तो फिर सारा काम होगा पूरे देश देश का। सर 5 साल सरकार को हो गए, क्या आज तक मुद्दे काम के हुए क्या नहीं हुआ पंजाब में बताना। सर कोई काम नहीं हुआ, जो काम जहाँ काली करके छोड़ गए थे वहीं वहीं काम पड़े हैं सर, कोई काम नहीं किया। बस अब नी पत्थर रखने का चल रहा है ट्रेंड, भी इलेक्शन आ गए नी पत्थर रख दो, पता नहीं काम होने के नहीं होने, ये ऐसा ही चलता है। ऐसा क्या नहीं हुए सर, काम हुआ क्या? आम आदमी के लिए क्या हो रहा है, गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? जो रोड बने कालियों के टाइम के बने, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो इसमें नोटा का जो एक स्विच दिया गया है, हाँ जी, और जुआ का जो है ये इलेक्शन है, तो क्या मानते हैं सर उसका बेनिफिट ही नहीं? जुआ को क्या बेनिफिट है अभी नोटा का बटन दबाने से? अपना हक है वो यूज करना चाहिए। अगर मोदी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे बुरा नहीं, आपको आपके पास क्या है? सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह पर जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, आपको आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि जो अच्छा आएगा वो उससे अच्छा आएगा कोई आदमी, वो दोबारा इलेक्शन करने का खर्चा किसको पड़ेगा? तो आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि जो आदमी काम करता है उसको वोट डालेंगे, बस। सर मोदी काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से, बस देश के लिए जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, बस। अपना नाम है जी मिंटू खुराना, घंटाघर जिला परिषद मार्केट है जी साड़ी। असी यही कहना चाहते हैं जी, साड़ी जिहड़ी यह मार्केट है, साड़ी मार्केट जो घट तो घट 1.5-2 लाख रुपया किराया इकट्ठा होंदा जी जिला परिषद नूं, असी हर महीने किराया जिला परिषद च जमा कराईदा है, पर जिला परिषद वाले अज तक इस मार्केट दे विच उन्हां ने कोई पैसा नहीं लाया, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं हैगी। असी सारी मार्केट वाले बड़े परेशान हाँ, बड़ी बारी उन्हां नूं लिख के दे चुके हैं, पर असी उन्हां नूं कोई उन्हां साडी सुनवाई नहीं की। असी हर महीने किराए जमा कराने, असी साडे अगे यही बेनती है भी साड़ी मार्केट उत्ते थोड़ा सुधार किया जाए। आ तुसी सड़कां देख लो, अज तक मैनू 10 साल हो गए ने, अज तक इन्हां ने साड़ी मार्केट उत्ते कोई पैसा नहीं लाया। असी हर महीने पहली दी पहली किराया जमा कराईदा, मीह आंदा सारा इत्थे बैठना उठा हो जाता जी। सर इत्थे जिला परिषद दे विच कोई काम नहीं होया जी, अज 10 साल हो गए है, जिला परिषद वाले आते हैं पर्ची कट के चले जाते हैं, पर साड़ी हाथ जोड़ के बेनती है भी इस मार्केट का सुधार होया जाए, इस मार्केट का सड़कां वधिया बनाईया जान, लैटरिंग बाथरूम वधिया बनाए जान, कई दूरों दूरों लोग आते हैं, होटल भी ने बहुत वड्डे वड्डे होटल भी ने, बाहरों भी नागरिक बहुत आते हैं, उन्हां दी सुविधा वास्ते इत्थे पैसा लगाया जाए, इत्थे सुधार होया जाए। इंद्रजीत सिंह गुलाटी। सर जी क्या 5 साल में कौन से ऐसे काम हुए लुधियाना शहर में, कौन से नहीं हुए, क्या काम? लुधियाना में क्या काम हुए जी? कोई काम नहीं हुए। हम इस वक्त आप घंटाघर चौक में खड़े हैं, क्लॉक टावर चौक में जहां मेन लुधियाना का हट है, हाँ वहां पर इतनी गंदगी है कि हिसाब ही कोई नहीं। एक तरफ सड़कें टूटी पड़ी है, दूसरी तरफ कोई बाथरूम जाए किसी ने जाना हो वो कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है, और आम पब्लिक को यहाँ बहुत मुश्किल है आने के लिए। एक तरफ ऑटो वगैरह लगे रहते हैं, कोई बाहर से आता है वो कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं, क्या करें? हाँ इसलिए हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जो भी यहाँ से MP चुना जाए, यहाँ जो विधायक है वो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखे, हाँ कि लुधियाना को साफ सुथरा रखना है। लुधियाना में विकास के काम जो पहले हुए हाँ, उसके बाद आज तकरीबन 2-3 साल हो गए कोई विकास का काम नहीं हो रहा। हाँ ये जो 2-3 पुल शुरू हुए हैं वो बीच में अटके पड़े हैं, इतनी देर से अटके पड़े हैं, वो चारों तरफ रश पड़ा रहता है। हाँ इसलिए हम यही अपने सरकार को कहते हैं कि लुधियाना की तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाए, और ख़ास करके जो लुधियाना ये हमारा पुराना सिटी है हाँ, इसकी तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाए। ग्रीन सिटी या क्लीन सिटी सिर्फ साइडों पर ही रह गया है हाँ, जो शहर में हम लोग बैठे हैं हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी आप देख रहे हैं टूटे टिब्बे पड़े हैं। हाँ हाँ अब बारिश आती है इतना पानी खड़ा हो जाता है कि गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती। हाँ
यहाँ तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल मेरा ऑप्टिकल लाइन का काम है, आँखों का काम है, और मैं ये समझता हूँ कि 85% लोगों को आँखों को एलर्जी की शिकायत इसलिए है कि यहाँ पोल्यूशन है। हाँ जी सर, 5 साल हो गए सरकार बनी को, तो क्या आप दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं तो कितना का विकास लुधियाना शहर में हुआ तो कितना नहीं हुआ, क्या आप कहना चाहोगे? सर मेरा नाम बच्चन सिंह है। विकास के बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि लुधियाना ज़्यादातर लेबर फॉर्म है और इंडस्ट्री एरिया है। यही है कि भाई हर एक लेबर परेशान है और इंडस्ट्री, सड़कें कोई क्लियर नहीं है, सड़कें सही नहीं बनी हैं, ठीक है जी, हर एक बंदा परेशान है, ठीक है जी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल सर हॉस्पिटल ये है कि जैसे सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में जो आज से 4-5 साल पहले प्रॉब्लम थी वो आप काफ़ी सॉल्व होगी और काफ़ी अच्छा मतलब ट्रीटमेंट होने लग गया सिविल हॉस्पिटल में। जैसे पहले कहते थे कि सरकारी हॉस्पिटल जी कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, पर अब तकरीबन बहुत बढ़िया फैसिलिटी लोगों को मिलने लगी, अच्छा मतलब ट्रीटमेंट होने लग गया, सिविल हॉस्पिटल काफ़ी मतलब तरक्की कर गया। करते हो भी कैसा होना चाहिए लुधियाना शहर में, सिटी ग्रीन सिटी बोलते हैं इसको, तो आप स्मार्ट सिटी बोलते हैं, तो क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी है? सर स्मार्ट सिटी जैसे इन्होंने बोला था कि भाई स्मार्ट सिटी है, लुधियाना नंबर 1 पे स्मार्ट सिटी बनेगी, तो सर अभी हमें तो कोई नहीं लग रहा कि भाई स्मार्ट सिटी में कोई भी इसका कोई वो होगा कि भाई स्मार्ट सिटी में आया है, इसमें कोई वो नहीं लगता कि भाई स्मार्ट सिटी में आई है। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह कोहली है जी। तो क्या विकास है, 5 साल हो गए सरकार को, अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि लुधियाना शहर में कितना के विकास का काम हुआ? जो भी लुधियाने से कांग्रेस सरकार आई है या पंजाब में आई है कोई काम नहीं होया। कैप्टन सरकार ने बड़े झूठे भी सीधे वादे किए थे लेकिन अजे तक कोई काम यह जहाँ नहीं होया जोड़ा कि आम आदमी या खास आदमी खुश हो जाए, लेकिन कई नशे के ज़्यादा वधे गए, जो पहले भी घट से हम नशा तो उदों ज़्यादा हो गया कि बहुत ज़्यादा ही साढ़े किसान भरा गरीब बंदे तो उस तरह ही लगे हुए हैं जिदा के पहला, कोई वादा यह जहाँ पूरा नहीं हो। नहीं ये नशे का तो कोई चक्कर नहीं, इन्होंने कहा नशा बंद कर देंगे लेकिन नशा नशा तो बंद होया नहीं। तकरीबन पंजाब कोई काम यह नहीं होया जो कि अगे नु काम हो जाए, सड़क उत्थे ही पकड़ियाँ, पुल उत्थे ही खड़े है। साढ़ा व्यापारी वर्ग तो बिल्कुल बढ़ गया, गरीब बंदा उत्थे खड़ा, काम कार है नहीं, जोड़ा माड़ा मोटा सीगा वह भी रहा खाँगा जी एस टी ने मार। मैं लुधियाने वासी हाँ राजन कोहली, मैं एक आम नागरिक हाँ। इतने हर सरकार हर 5 साल बाद कोई सरकार चुनते आप, असी अपनी वोट जी कीमती वोट साड़ी आ, असी अपने वादे पूरे करने वास्ते जन इलैक्शन आप चुनते किसी चुनते हाँ। इतने 5 साल बच्चे हर साल 5 साल इलैक्शन होंगे ने पर इतने कोई वादे पूरे नहीं होंगे। आ देखो रोड का हाल देख लो, हर पासे जाम है, इतने जिते प्राइवेट स्कूल ने इन फीसा वधिया हुई ने, जिते साडे बच्चे गरीब बच्चे ने और सरकारी स्कूलों में वधिया पढ़ाई होनी चाहिए। मैं तो कहना जिहड़ी सरकार बनती आ पहले इस गल के मुद्दे चकने चाहिए ने कि बच्चों नूं परवरिश वधिया मिले तो पढ़ाई वधिया मिले। तो इतने जिहड़े सिविल हॉस्पिटल साढ़े लुधियाने शहर के ने इन्ना गंदा हाल आ, इन्ना माड़ा हाल आ, किसी भी गरीब की कोई हैल्प नहीं होंगी, जिहड़े मरीज ने वह दुखी नाल करला रहे ने, एक कोई बैड ते पिया कोई नीचे पिया, तो जिहड़े इलैक्शन वेले सरकार साड़ी आँदी है बड़े वादे करते हैं असं ये कर देंगे असं वो कर देंगे पर कोई हल नहीं होंदा। मैं कृपा करके लुधियाने शहर वासियों को बेनती करना चाहना वे सही ईमानदार बंदा चुनो तो कि साढ़े लुधियाने शहर का विकास हो चुके, तो पढ़ाई वेले जिहड़े बच्चे रहिंदे ने जिहड़े गरीब ने जिन्हां नूं सहूलतां नहीं मिल सकदियां उन्हां नूं सहूलतां मिलन, तो जिहड़े साडे स्कूल ने गरीबां लई बंदे ने वह पढ़ाई वधिया करा सकन, जिहड़े कि साडे इत्थे शहर के होस्पिटल ने प्राइवेट उन्हां ते नकेल कसी जावे, सरकारी होस्पिटल ने उन्हां नूं वधिया ट्रीटमेंट दित्ता जावे गरीबां नूं, तां कि जो एक गरीब चैन दी जिंदगी जी सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सोमनाथ। हाँ जी सर, 5 साल हो गए सरकार बनी को, तो आप क्या कहना चाहोगे लुधियाना में कितना की विकास हुआ कितना नहीं? इस तरह जी लुधियाने का विकास तो बिल्कुल ही जीरो होया वा। विकास जिहड़ा कीता, सड़क टुटिया हुई ने, गलियां टुटिया हुई ने, ना कोई डिवेलपमेंट हो रही है, ना कोई पुल बनते पे ने, हर पास्यों पब्लिक जी तराही तराही करती पई है। इतने साढ़े एम पी से रमनीत बिट्टू जी, इन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इन्होंने इस काम के, आप शहर को मतलब अच्छी चीज, कोई हॉस्पिटल देिए, कोई स्कूल कॉलेज देिए, कोई सड़क वजिया बनवाइए, कोई पुल बनवाइए, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ अपनी मौज मस्तियाँ लगे रहे हैं। इन्होंने मतलब चाहिए सी कि मतलब जोड़े आप वादे करते हैं लोगों उन्होंने पूरे कर जाए, इन्होंने लेकिन कोई भी वादा नहीं पूरा किया है। ये बन के अपने आराम नाल घर बैठे रहते हैं या अपनी ऐश प्रस्ती करते हैं। हूँ ये साढ़े को आएंगे जनता को, किस मूह ना वोटा लैन वास्ते आएंगे, हूँ असं इन्हें दसा भी किस हिसाब से वोट पानी है। असी तो यही चाहवे कि साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन, ता कि उन्हें देश का मतलब जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वह वधिया हो सके। सुरक्षा तो मोदी जी अद्धे देश की मतलब जी जो बागडोर हो बहुत ही वधिया होगा। देखो जी, किसी भी गली महल्ले बढ़ जाओ, कितने भी बढ़ जाओ, चौड़े बिहार चल जाओ, पिंडी गली चल जाओ, सराफा बिहार चल जाओ, या आम गली महल कितने भी चल जाओ, किसी भी एरिए कोई भी गली नहीं बनी हुई और सड़क सब टुटिया हुई ने, खड्डे पे हुए ने, खड्डे भरने को भी मतलब पैच वर्क लाने वास्ते भी पैसे नहीं है।